नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कौन सी चीजें धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में दुख दरिद्रता आती है, लक्ष्मी चली जाती है, रुठ जाती है और हम सालों साल परेशान रहते हैं। इन चीजों को खरीदने से हमारे घर की धन दौलत बरकत सब नष्ट हो जाते हैं, हम परेशान होते हैं, शांति अभंग हो जाती है, खुशियाँ अभंग हो जाती है। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिएगा आप लोगों को, ये चीजें हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। आइए उन चीजों को हम जानते हैं। पहली चीज, प्लास्टिक से बनी चीजें, धारदार नुकीली चीजें जैसे चाकू, सुई, कैंची, ये सभी नुकीली चीजें होती हैं, लोहे से बनी होती हैं, जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए, जो शनि महाराज जी से जुड़ी हुई होती हैं ये सब चीजें। एल्युमिनियम के बर्तन नहीं खरीदना है हम लोगों को, कांच से बनी चीज और आर्टिफिशियल चीजें नहीं खरीदते हैं। काले रंग के कपड़े, काले रंग के जूते, चप्पल, सैंडल उस दिन धनतेरस के दिन नहीं खरीदते हैं। मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदते हैं, स्टील के बर्तन नहीं खरीदते, कांच की चीज नहीं खरीदते जो राहु से जुड़ी हुई होती हैं। शनि और केतु और राहु से जुड़ी इन चीजों को खरीदने से हमारे घर की धन दौलत बरकत सब नष्ट हो जाते हैं, हम परेशान होते हैं, शांति अभंग हो जाती है, खुशियां अभंग हो जाती है। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिएगा आप लोगों को, ये चीजें हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना है उसकी भी वीडियो दी हूँ, अगली वीडियो में क्या नहीं खरीदना है ये भी वीडियो दी हूँ, अब क्या चीज घर से फेंकना है ये भी वीडियो दी हूँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको दे रहे हैं, जो 90% लोग गलतियाँ करते हैं, अनजान में हम लोग खरीद लेते हैं, कभी नहीं पता चलती है, तो ये गलतियाँ जरूर सुधारिएगा आप लोग, जरूर समझिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।